वर्ल्ड में चूर्णों की कमी नहीं है, ऐसे ही कुछ चूर्ण होते हैं जो फ्लिपकार्ट का इंटरफेस बना के ना और वो लोगों को लूटते हैं। तो कल मैंने ये वीडियो शूट की थी जब मैं फेसबुक यूज़ कर रहा था, जैसे मैं यूज़ कर रहा था तो मैं उसको स्वाइप कर रहा था, स्वाइप करते करते जब मैं नीचे गया तो मुझे कुछ इस तरीके का बिग बिलियन डे, आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का आइकन है, बाकायदा यहाँ पे फ़ोन का जो एड है वो दिया हुआ है और उसकी कॉस्ट बहुत ही लो है। तो मैं जल्दी से गया, मैंने कहा ऑफ़र चल रहा है भाई जल्दी से ले लेते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो कार्ट में यहाँ पहले ही दिखा रहा है, ठीक है, जबकि मैंने लॉगिन नहीं किया, कार्ट में पहले ही दिखा रहा है, कोई बात नहीं है। और एक ही फ़ोन नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे फ़ोन आपको डाउन पेमेंट पे, सॉरी डाउन नहीं, लो कॉस्ट पे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं समझ चुका था कि ये फ्रॉड है, बिल्कुल कुछ नहीं होना, लेकिन मैंने सोचा कुछ आगे क्या होता है, किस तरीके से ये लूटते हैं लोगों को। तो मैंने जानने के लिए क्या किया, एक फ़ोन पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये एप्पल का आईफोन सेकंड प्रो यहाँ पर गोल्ड शो हो रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही इसकी जो प्राइस है यहाँ पर शो हो रही है 1999, 1999, ठीक है, और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने फिर भी मैंने कहा कोई नहीं, चलो बाय कर लेते हैं। मैंने जैसे ही बाय पे किया तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल फिल करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मैं समझ गया फ्रॉड है, तो मुझे यहाँ पे अपनी डिटेल मैंने जो भरी हुई है ना, आपको लगता है मैंने डिटेल भर दी है, मैं लूटने वाला हूँ, ऐसा नहीं है, मैं लूटने वाला नहीं हूँ, मैं बच गया, क्योंकि ये सारी डिटेल्स मैंने बिल्कुल गलत भरी हुई है, कुछ भी इसमें सही नहीं है। पिन कोड सही है बस, वो दिल्ली का है, बाकी कुछ भी सही नहीं है। मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल मैंने ऐसे उल्टा सीधा उठा के इसमें लगा दिया है। आगे का प्रोसेस मुझे देखना था कि वाकई में ये फ्लिपकार्ट का तो नहीं है, ये मुझे कंफर्म हो चुका है, लेकिन मैं देखना चाहता था ये किस तरीके से लूटते हैं लोगों को। कुछ लोग जो फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक के ज़रिए बहुत सारे ऐड आते हैं, उस ऐड पर क्लिक ना करें कृपया करके, अगर क्लिक करते हो तो भाई साहब डिटेल्स ना भरें। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन पे और यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, नीचे आपको शो रहा है एक नोट जहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के चलते हम COD यहाँ पे अभी नहीं दे रहे हैं, तो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। तो जैसे ही मैंने फ़ोनपे पर क्लिक किया तो ऑप्शन नहीं आया, यूपीआई पर क्लिक किया, आप देख सकते हो व्हाट्सअप एयरटेल पेटीएम और एक और ऑप्शन था नीचे, तो मैं इससे आगे नहीं गया क्योंकि मैं लूटना नहीं चाहता था, हो सकता था कि डेटा सारा का सारा एकदम से ट्रांसफ़र कर लिया जाता, इसलिए मैं वहीं रुक गया। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग फेसबुक चलाते हैं और इस तरीके के ऐड जो देखते हैं, देखने के बाद क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ पे कार्ड दिख रहा है ना, कार्ड में आपको 1 लिखा रहा है यहाँ पे, मैं इसका मतलब कोई ना कोई एक ऑर्डर है कार्ड के अंदर, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो उस पर क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि ये ऑलरेडी फेक है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो ऐसे झांसे में फंस जाते हैं तो ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसे ऐडों को अवॉइड करें, बिल्कुल क्लिक ना करें, ठीक है, अगर आपको अपना पैसा सिक्योर रखना है तो, वरना आपकी मर्ज़ी। इस वीडियो में बस इतना ही, चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो की तरफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।